और ये जो मंजा है ना, इस मंजे के नीचे बहुत सारा सामान पड़ा है, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, अभी तो घर में आपको कोई सामान नहीं दिख रहा होगा, पर बहुत सारा सामान है। इसके पीछे भी हमने बहुत सारा सामान सेट कर रखा है, फिर शीशा भी सेट किया है, और फिर ये लॉन्ड्री बैग भी है, फिर ये औरत भी मैंने सेट करी है। ये सब सेट करने में तो मैं जब सच बताऊँ तो मैक्सिमम तो दो दिन लग गए, पर इस औरत को सेट करने में से 6 महीने लग गए। वनस्पति को सेट करने में आगे 1 साल होने वाला, तो भी सेट नहीं हो रहा है। 6 महीने के अंदर मैंने सेट करनी थी, है किसी के अंदर देख लो हमारे को ये पावर। हमने ना अपने घर में, आप मानोगे नहीं, बाहर एक चीज है ना बहुत ही, मतलब हर एक चीज के पीछे अगर आप ये देखोगे ना, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। हमने जब शादी करी थी तो हमारे पास एक गिलास भी नहीं है, कुछ भी गिलास नहीं, उन लोगों को शादी करके आ रहे थे, और ना हमारे पास कोई कपड़े थे, ना मेरे पास कपड़े थे, मेरे पास भी पुराने अपने 2-4 कपड़े थे, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं लगी आई थी नर्से कपड़े, 1-2 जोड़ा देख आई थी शायद। और फिर आज देखो हमने ना धीरे धीरे बर्तन लिए, फिर गैस का कनेक्शन लिया 6-7 हज़ार रुपये का, फिर फैन लिया, फिर मंजा लिया, फिर बिस्तर लिया, स्टडी टेबल लिया, ये लिया, ट्यूबलाइट लिया, बाइक ली हमने, फिर आईफोन भी लिया हमने, और फिर दूसरा फोन खराब हो गया था बीच में, वो सही करवाया, फिर एक हमने इन्फिनिक्स का फोन भी लिया। नहीं, ये 6 महीने के अंदर हुआ है सारा कुछ। और क्या कहते हैं, हमारी काफी सारे कागज भी बने हुए नहीं थे, हम वहाँ से, हम जल्दबाजी में वहाँ से भाग के आ गए थे ना। हाँ, भाग के आगे भी बता दो तुम भाग उतना पड़ेगा ना वो तो हाईवे, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो अभी 2 सेकंड पहले सुना था वो कुछ भी नहीं, उसको विश्वास मत करना जो मेरे मुँह से निकल गया था, ठीक है। ठीक है, हम वहाँ से फिर आ गए थे, कुछ भी सामान लेके नहीं आए, और फिर हमारे कागज कोई नहीं थे, स्क्रीन पे कागज नहीं थे, इसके सारे कागज गाँव के थे, तो मैंने इसके सारे बजट पेपर बनवाए, कागज बनवाए पंचकूला के लोकन, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर हम इसी बीच में 6 महीने के अंदर ही अंदर फिर हम गाँव में भी गए अपने बिहार, इतना सारा काम हमने करा, और फिर आज हम यहाँ पे है। आज हम पूरा 1 साल होने वाला, सालों में भी शायद कितना टाइम कम है सब डिश, बस ये 3 महीना कम है हमें, अक्टूबर में हमको 7 हो जाएगा, और मुझे 23 साल में जब ठीक हुई है। नहीं भाई, आई रिस्क ऐसा हुई है चीज, पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ना भी प्लान, हमारे गोल यही थे, जहाँ पे हम पहले रह रहे थे, जहाँ पे अब तक आप डेली ब्लॉग शो कर रहे थे, हम भी पूरी फैमिली के साथ रह रहा था, काफ़ी अच्छा था, मकान बना हुआ था, वहाँ पे हमारा प्लान बन गया था, और हमारी छोटे बजट निकला लिए थे कि हम कर लेंगे, बट जैसे अब हम अलग हो गए हैं तो अब हमने ये सोच के चल रहे हैं कि अब कुछ भी करने से पहले हम अपना एक बैकअप लेके चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सारा कुछ ख़त्म कर देंगे, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, कि ये भी नहीं कि किसी चीज़ में फंस जाए और खाने के लिए 2 पैसे भी ना हो, जिस हिसाब से हम चलेंगे। अब मतलब इतना कुछ करने के बाद है ना, मेरा सिर्फ ये है कि मैंने एक अपना घर लेना, पर जैसे तैसे हमने मतलब घर लेना है अपना, और उसके बाद फिर ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। और सच बताओ ना, जब से हमारी शादी हुई है हमने अपन बेबी प्लान ही किया है, हमने ये सोच के बेबी प्लान नहीं किया कि हम अभी खुद रोड पे हैं, अगर हमारा कोई भी मतलब बेबी आता है तो उसको हम किस तरीके से परवरिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक है ना उसको परवरिश अच्छे माहौल में दे, और एक अपना घर वो तो अच्छा रहेगा, तो पूरा फोकस उसके ऊपर होएगा, और जितना टाइम देना होगा हम उतना टाइम दे देंगे। और अभी है ना कि हमारे पास खुद रहने पीने छत नहीं है, और अगर एक वक्त ऐसा आए कि उसको टाइम देना पड़ा तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको दोनों तरफ सोच के चलना पड़ेगा कि काम भी करना और वो भी करना, तो इसलिए सोचा हूँ पहले छत आ जाए हमारी, फिर उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। और गाइस, आप ऐसे हमको सपोर्ट करते रहना, लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, जो भी करना, पर आई विश जो भी करना अच्छा करना, और हम आपके भरोसे ही हैं और किसी के भरोसे नहीं हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर रहा, और नाश्ते में हमारी वो तनमाजी मुझ कहना नहीं चाहिए कि हेलो, यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, वैसे मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हमारा कुछ स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा है। ये सुबह के 6 बजे उठ के जाते हैं ईमान को, और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के खाना भी ना देखती हूँ, 4:30 बजे हो रहा है ना, और वास्ती वगैरह काम भी कर देती हैं, इस ऐसे करके सो रहे उठते हैं 6 बजे नख भी नहीं होती ना। मतलब एक आप ये देख लो, एक वाइफ मेरी कितनी ज़्यादा मेंटेन कर रही है हर एक चीज़, मुझे भी रात का सामान ला मिनट ला, मतलब नींद नहीं आती तो दौड़ी सुनाती है मुझे, और
अरे वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे, मतलब रात का नींद नहीं आने की कमी मुझे, तो फिर ये मेरे को गाने सुनाने लगी थी। ओ गाना बड़ा गंदा था पर अच्छा था, नींद आ गई थी मुझे सुन के। तो रोड भी काम हो रहा है, घर का काम भी हो रहा है, बांध काम भी हो रहा है, वो हो रहा है, मैं संभाल रही हूँ सारा कुछ। अब पता लग गया मुझे सब कुछ, मैं संभाल रही हूँ। ये रहे को गवन डाल दिया, आपके हर काम के पीछे मेरा हाथ है, ठीक है। हाँ ये था वो तो ठीक है, तो हम दोनों और तो चाहते हैं भाई ये छोड़ के आपके हैं। अपना प्यार इस तरह देते रहने का और सपोर्ट करना, और हमारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना। और बस तुम्हारी तो कमेंट खत्म भी हो रहे, जितनी बाय हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।